ऑडियो ऑन करके मुझसे बात कर, जब भी हेलो। तेरा ऑडियो ऑन हो जाए। हाँ ये देख, अभी ऑन हो गया ऑडियो। कैसे आवाज आ, सर ब्रेक हो रहा है। हमारे ऑडिबल स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस यस सर। यस सर। ये कब से आवाज क्लियर नहीं अथर्व? सर मैंने आपको मैसेज भी डाला। मैसेज डाला, ठीक है, मैंने तेरा मैसेज पढ़ा, बट कब से मैं तेरा नाम चिल्ला रहा हूँ, कब रिप्लाई करेगा? हाँ या ना बोलना होता है। हाँ आ रही आवाज, नहीं आ रही आवाज, मुझे कुछ समझा, मुझे कुछ नहीं समझा, नहीं समझा, समझा, जो भी है वो बोलना पड़ता है ना। ऐसे ऐसे तो लेक्चर बैठ सकता है। जैसे मैं तुझे क्वेश्चन पूछ रहा तो गायब हो जा रहा है, कैमरा ऑफ कर दे रहा नहीं है। सर, कैमरा ऑन ही है मेरा। नहीं, कैमरा ऑन ऑफ हो रहा है, कंटिन्यूसली ऑन नहीं है कैमरा, ऑन ऑफ हो रहा है। तो एक बार भी ऑडियो पे रिप्लाई नहीं दिया। आवाज ब्रेक हो रहा था। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है तो तुझे बताना तो पड़ेगा ना, आवाज ब्रेक हो रहा है तो इमीडिएटली बता। अभी कितना देर हो गया लेक्चर को, बता मुझे। ऑलमोस्ट 2 घंटे होने आ नहीं गए सर, लेक्चर अभी में। अभी आपने रीज्वाइन करने बोला था ना, हाँ तभी हो रहा था। तभी आवाज ब्रेक हो रहा था, यस और उसके पहले जब मैंने लेक्चर चालू किया उस तब आवाज ब्रेक हो रहा था मेरा। सर, थोड़ा थोड़ा तो मुझे कौन बताएगा ऑडियो ऑन करके बोलने का ना, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। तो अगर मैं चेक करूंगा बाकी लोगों को भी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, मतलब मेरे साथ इश्यू। अगर बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मतलब तेरे नेटवर्क में इश्यू है, तो हम दोनों में से किसी एक को तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस सर। 2 घंटे के लेक्चर में अगर 1.5 आवर तूने इसी में निकाल दिया, आवाज ब्रेक हो रहा है इसी में निकाल दिया, तो तूने पढ़ा क्या आज अथर्व? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा नहीं हूँ? सर, लास्ट लास्ट में मतलब वो होने लगे। अच्छा, मैंने आज जो पढ़ाया तुझे समझ में आया? यस सर, बता मुझे, एक्सप्लेन कर क्या क्या समझा तुझे। चल स्टार्ट कर। देर आर टू सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल तेरा कैमरा हैज ऑफ हो गया, कैमरा ऑफ हो पर गया है। सर ऑन ही है। हेलो सर, ऑन ही है। अच्छा तूने पीडीएफ ओपन किया गया जो मैंने भेजा? तो नहीं सर, अभी तो सर तेरा कैमरा में तो नहीं दिख रहा मुझे, ऑन ही है, मैं बाकी स्क्रीनशॉट किसी को भेज दिख रहा सकता है हूँ। अथर्व? बाकी किस किस को अथर्व दिख रहा है? रेज योर सर हैंड। मैं स्क्रीनशॉट भेजूं? सर लग रहा है स्क्रीनशॉट, कैमरा पे हाथ लगा दिया, बंद कर। हाँ, या तो तूने कैमरा सर पे मैं हाथ, स्क्रीनशॉट, सर मैं स्क्रीनशॉट भेजूं आपको? सर अथर्व तू स्क्रीनशॉट मत भेज, तू मुझे प्रूफ मत भेज। तेरा कैमरा मैं, ऑन है अगर, तो मुझे तो दिखना तो चाहिए ना, मुझे तो नहीं नजर आ रहा है। समझ में सर आया? मेरा कैमरा प्रॉब्लम है। अच्छा कैमरा प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग तो ऐसा होता है, अगर उन्होंने कोई पीडीएफ या टेक्स्ट बुक ओपन किया तो कैमरा अपने आप ऑफ हो जाता है, तो तेरा कैमरा नहीं सर, पूरा ब्लैक आ रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, अब तू नजर आ रहा है। चल बोल बोल, कंटिन्यू। देर आर यूकेरियोटिक सेल्स, देर प्रॉपर न्यूक्लियर, देर प्रॉपर न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, देन यूकेरियोटिक सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, देन यूकैरियोटिक सेल हैज यूकैरियोटिक सेल हैज यूकैरियोटिक सेल इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स, डीएनए
डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है था, वेरी गुड वेरी गुड, ध्यान दे लेते, ठीक है लेक्चर में ध्यान देगा तो तुझे खुद से बोलने आए, yes. तुझे रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू खुद से बोलेगा एकदम कॉन्फिडेंटली, ठीक है ध्यान देना है, जैसे बाकी लोग रिपीट कर रहे हैं वैसा रिपीट करना, बाकी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ये पूरे बैच में, बाकी सबके सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, वैसा हमको भी मेहनत करना है, अंडरस्टूड अथर्व, क्लियर? यस सर। हाँ चलो सबके सब यहाँ ध्यान दो, नाउ आई एम ड्रॉइंग माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले ड्रॉइंग समझो मैं कैसे ड्रॉ करूँ, पहले मेरे साथ साथ ड्रॉ मत करना, पहले देखो मैं क्या क्या आपको बोलना चाहता हूँ। सो सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज आउटर लेयर, आउटर कंटिन्यूअस लेयर, दिख रहा है स्टूडेंट्स, आउटर कंटिन्यूअस लेयर, वर्ड देखो मैं क्या यूज करता हूँ, द आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियोम इज कंटिन्यूअस, व्हाइल द इनर लेयर हैज फोल्डिंग, ये देखो इनर लेयर जो होता है उसका ऐसे, इनर लेयर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इनर लेयर ऐसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है इनर लेयर, इनर लेयर कैसा है पता है, ऐसा है देखो इनर लेयर, दिस इज इनर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखो ये देखो क्या दिख रहा है हमको इसमें, ये देखो इट हैज फोल्डिंग्स, इट हैज फोल्डिंग्स, नजर आ रहा है? सो मैं क्या बोलूंगा, आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंटिन्यूअस बट द इनर लेयर हैज फोल्डिंग्स, इनर लेयर हैज फोल्डिंग्स, इतना बोलने आएगा सबके सब, माइक म्यूट करके रिपीट करेंगे, आई शुड सी यू रिपीटिंग, ठीक है दिस इज द कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कर लो, सो आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंटिन्यूअस, आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंटिन्यूअस व्हाइल इनर लेयर हैज फोल्डिंग्स, इनर लेयर हैज फोल्डिंग्स, ठीक है फोल्डिंग्स दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको फोल्डिंग्स, सो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसको लेबलिंग कर दूं मैं, इसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है आउटर मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या है इनर मेम्ब्रेन, ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट बात है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलो नाउ ये जो फिंगर लाइक फोल्डिंग है, फिंगर लाइक फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग का नाम क्या है, इस फोल्डिंग को ये देखो, जैसे जैसे अपन इसका केस लेते हैं, देखो ये जो दिख रहा है ये पार्ट जो फोल्ड हो गया है, ये भी पार्ट फोल्ड हो गया है, राइट है, ये भी एक फोल्डिंग है, ये भी एक फोल्डिंग है, ये एक फोल्डिंग है, ये एक फोल्डिंग है, ये एक फोल्डिंग है, यहाँ पे एक फोल्डिंग है, यहाँ पे एक फोल्डिंग है, करेक्ट, सो ये सारे फोल्डिंग्स के नाम क्या है स्टूडेंट्स, इसका नाम है क्रिस्टे, क्या नाम है इस फोल्डिंग का, क्रिस्टे बोलने आएगा, रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्रिस्टे, चेक करो मैंने क्या बोला, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ, इट हैज डबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है माइटोकॉन्ड्रिया हैज डबल मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस व्हाइल इनर मेम्ब्रेन हैज, इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग्स, एंड दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज, दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे, दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे, नेक्स्ट नेक्स्ट चेक करो स्टूडेंट्स, द रीजन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, रीजन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स इज नोन एज, मैं हमेशा ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ इस केस में, कि जब अपना अपने स्कूल के बीच में और बाजोले स्कूल के बीच में मैच हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्कूल, हाँ बोल बोल सर, वापस रिपीट करो, मैं वापस रिपीट करता हूँ, यस माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के बाद, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस, जरा भी फोल्डिंग नहीं है उसमें, करेक्ट है, व्हाइल इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग्स, एंड इन फोल्डिंग्स को अपन क्या बुलाते हैं क्रिस्टे, क्या बुलाते हैं क्रिस्टे, क्लियर हो गया बात, अथर्व क्लियर है, यस सर, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, अब हम क्या बोलेंगे, हम इस रीजन को डिफाइन करने वाले हैं, रीजन जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, ये वाला एरिया, ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है ना जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इस एरिया का नाम क्या है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, सो हमेशा जब दो स्कूल के बीच में मैच होता है तो अपन क्या बोलते हैं,
इंटर स्कूल, करेक्ट है, इंटर स्कूल। नेक्स्ट, जब दो कंट्री के बीच में मैच होता है तो अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल। जब दो नेशनल्स के बीच में मैच हो रहा है, दो नेशंस के बीच में मैच हो रहा है, हम बोलते हैं इंटरनेशनल, राइट। वैसे ही इंटर स्टेट, वैसे ही ये रीजन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में है। सो बिकॉज इट इज बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, दिस रीजन इज बिटवीन टू मेम्ब्रेन, सो देयरफॉर कैन आई कॉल इट एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। समझ में आया, ये बोलने आ रहा है, जल्दी बोल के दिखाओ, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। वेर इज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, आप बोलोगे द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर बात, समझ में आ गया बात। सो माइटोकॉन्ड्रिया हैज हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स, टू मेम्ब्रेन्स, शाबाश, हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स, टू मेम्ब्रेन्स। आउटर मेम्ब्रेन इज डैश, आउटर मेम्ब्रेन इज डैश, कंटिन्यूअस, वेल डन जय, शाबाश, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस। इनर मेम्ब्रेन हैज, इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग्स, वेरी गुड, वेरी गुड। दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज, दीज फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे, वेरी गुड, वेल डन निधि, शाबाश रिया, रिया ऑडियो, ऑडियो म्यूट कर ले रिया, ऑडियो म्यूट कर ले। सो इनर फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे, इनर फोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे। रिया आवाज म्यूट करना है, हाँ। नेक्स्ट, द रीजन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। निधि, निधि ऑडियो म्यूट करके आंसर देना है, ठीक है, अगर तुझे आंसर आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझा तो फिर ऑडियो ऑन करके मुझे पूछ, अदरवाइज रिपीट करना, ऑडियो म्यूट करके, सबको ऑडियो म्यूट करके रिपीट करना, आपको रिपीट करने नहीं आ रहा है देन यू हैव टू आस्क, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चले, आगे चले। नेक्स्ट, द रीजन इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, रीजन इनसाइड इनर मेम्ब्रेन, दिस रीजन इज नोन एज, इस रीजन का नाम क्या है, सो इस रीजन का नाम हम देते हैं मैट्रिक्स। क्या बुलाते हैं इसको स्टूडेंट्स अपन, मैट्रिक्स, क्या बुलाते हैं बताओ, मैट्रिक्स, एम ए टी आर आई एक्स, मैट्रिक्स। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है, पूरा रिपीट करूं, माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एंड द रीजन इनसाइड इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज मैट्रिक्स। समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज कंटीन्यूअस, इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्डिंग्स, फोल्डिंग इज नोन एज क्रिस्टे, द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, एंड द रीजन इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज नोन एज क्रिस्टे, सॉरी मैट्रिक्स, the region inside the inner membrane is known as matrix. Clear students? Clear है? Clear है यहाँ तक? चलो ये पहले drawing कर, चलिए ये drawing कर लो इसकी, मैं wait कर रहा हूँ आपका, इतना drawing कर लो फटाफट से। ये देखो, ये जो मैंने येलो येलो लाइन मारा है आपको समझाने के लिए, आपको ऐसा लाइन नहीं मारना है मेट्रिक्स के अंदर, दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो मैं ये लाइन्स हटा दे रहा हूँ।
सडन लेट अस गो फर्दर आगे चले सबका ड्रॉ करके हो गया ये वाला सबने ड्रॉ कर लिया इतना ठीक है लेट अस प्रोसीड अहेड चलो आगे चले जाता हूँ ठीक है नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगली बात अपन क्या करेंगे ये वाली बात करेंगे जो क्रिस्टे है क्रिस्टे के ऊपर मुझे क्या नजर आता है ये देखो क्रिस्टे के ऊपर क्या नजर आता है ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं क्रिस्टे के ऊपर और इस स्ट्रक्चर का अपन ने नाम क्या दिया है इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं F1 पार्टिकल लिख लो आप अपने डायग्राम में क्रिस्टे के ऊपर ये पार्टिकल्स होते हैं तो सब क्रिस्टे पे मत बनाओ किसी एक पे बना दो बस किसी एक क्रिस्टे पे ऐसे पार्टिकल्स बना दो इसको अपन बोलते हैं F1 पार्टिकल ये स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं F1 पार्टिकल ये अपन ने किसका स्ट्रक्चर बनाया है माइटोकॉन्ड्रियोन वो टाइटल दिया अपने बुक में ऊपर लिख दो माइटोकॉन्ड्रियोन का स्ट्रक्चर है ये बना राइबोसोम समझ जाओगे इसको न्यूक्लियस राइबोसोम कुछ भी बना दोगे इट इज माइटोकॉन्ड्रियोन क्लियर ऑलराइट माइटोकॉन्ड्रियोन मैंने बना दिया अब क्या करूंगा मैं स्टूडेंट्स ये देखो मैंने इसका इमेज ले लिया है अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आई विल बी सेंडिंग यू द इमेज डोंट वरी इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट आल्सो नाउ व्हाट आई विल डू इज I delete this and ये जो माइटोकॉन्ड्रियन दिख रहा है F1 पार्टिकल जो दिख रहा है F1 पार्टिकल दूर से वैसा दिखता है अगर उसको पास से देखे तो कैसा दिखेगा वो मैं आप बना रहा हूँ ठीक है F1 पार्टिकल को मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूँ जूम कर रहा हूँ आपके डिटेल में बना रहा हूँ F1 पार्टिकल का एक और नाम है जो आपको लिखना चाहिए वही उसी डायग्राम के नीचे बनाओ छोटा सा या उसी डायग्राम के बाजू में आप बना सकते हो F1 पार्टिकल ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोन ऑल्सो नोन एज एलिमेंटरी पार्टिकल इसका ही नाम है एलिमेंटरी पार्टिकल ठीक है स्टूडेंट्स इसी का नाम है एलिमेंटरी पार्टिकल कैसे दिखाई देता है ये चेक करो अभी तो आपको कैसा दिखाई दिया ऐसा लगा जैसे एक स्टिक टाइप है करेक्ट है एक स्टिक एंड छोटे छोटे बलून टाइप दिखाई देता है एक्चुअली ये इस तरह से दिखता है ये दिखता है दिस इज हाउ F1 पार्टिकल लुक्स लाइक ऐसे ऐसे ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाले बाजू वाले डायग्राम में ड्रॉ करना है माइटोकॉन्ड्रियन के जस्ट बाजू में आपको ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं छोटा सा साइड में एक ड्रॉ कर दो एंड वहां पे लिख दो इसके बारे में ये पार्ट जो है इसको बोलते हैं हम हेड देन दिस पार्ट इज नोन एज स्टॉक ओके एंड दिस पार्ट इज नोन एज बेस सो हेड स्टॉक बेस दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ F1 पार्टिकल तो ऐसा कुछ दिखता है आपको F1 पार्टिकल ओके समझ में आ गया बात तो हमको ये F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है देखो ऐसे इनर मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से लुक ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स ये देखो ऐसे होता है F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन के अंदर तो देयरफॉर मेरे को इतना पार्ट नहीं नजर आता मुझे सिर्फ इतना पार्ट डायग्राम में नजर आ रहा है ना डायग्राम को हमको सिर्फ इतना ही पार्ट नजर आ रहा था क्योंकि ये F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं तो इनका जो बेस है वो अंदर एम्बेडेड हो जाता है अंदर छुप जाता है अंदर जैसे प्लांट के रूट्स आपको नहीं नजर आते वैसे F1 पार्टिकल का जो बेस है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर चले जाते हैं अंडरग्राउंड में खाली मुझे स्टॉक और हेड दिखाई देता है क्लियर ओके स्टूडेंट्स अंडरस्टूड ठीक है चलो मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया और आज के लिए इतना है अब इसके आगे में नया कुछ नहीं चालू करने वाला टॉपिक ठीक है सो आज अपन ने क्या देखा हमने डिटेल में वापस से अपन ने रिवीजन कर लिया एंड हमने नया टॉपिक देखा माइटोकॉन्ड्रियम उसका अपने डायग्राम ड्रॉ किया आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन एंड ऑल्सो वी सॉ F1 पार्टिकल ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री पार्टिकल और ऑक्सीजोन एक और नाम क्या है उसका ऑक्सीजोन ठीक है सो माइटोकॉन्ड्रियम के बारे में एक छोटा सा अपन रिविजन ले लेते हैं उनमें ही विल स्टार्ट And then बाकी लोगों को भी एक दूजन को अपन पूछेंगे वॉट इज और एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रियम जो भी हमको पता है माइटोकॉन्ड्रियम के बारे में वो एक्सप्लेन कर चलो स्टार्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल
produces ATP, which produces energy. Mitochondria has two membranes, inner membrane and outer membrane. The space between these two membranes is known as intermembranous space. The outer membrane is continuous and the inner membrane has foldings. The foldings is known as cristae. Is between the inner membrane is known as matrix. Also there is F1 particles, F the foldings, that is cristae. The F1 particles are also known as oxysome and elementary particles. F1 have head, base and stalk. Very well done. Next is Sarah. Mitochondria is the powerhouse of the cell. It is two membranous structure. The outer part is inner membrane. Outer membrane. It is continuous and the inner membrane has foldings. The region between these two is known as intermembranous space, and the foldings are known as cristae. On the cristae, there are present F1 particles, also known as oxysome or elementary particles. On these, there's head, stalk, and base. Okay. Next is Sairi. Sairi, please start. Saili, can you hear me? Please start. Okay, next is Sadichha Masurkar. Sadichha. Audio muted. Mitochondria is the powerhouse of the cell. It is responsible for ATP production. It has two membranes, inner membrane and outer membrane. The outer membrane is continuous and the inner membrane has foldings. The space between two membranes is known as intermembranous space, and the space in the inner membrane is known as matrix. There are F1 particles in the inner membrane who are also known as autosome. They have stalk, base and head. Okay. That's it, students. Thank you very much. We will meet next time. Your homework is, aapko jo main PDF bhejunga, usi PDF ko note down karna hai proper book mein and preparing in notes. Bas, utna hi hai. अभी आपको टेक्स्ट बुक रेफर नहीं करना है, जस्ट कीप रेफरिंग माय नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग. अपने आप को खाली पढ़ाते रहो, खुद से प्लेन पेपर ले लो, पेन ले लो, खुद को वापस ये पूरा एक्सप्लेन करो क्या चीज क्या होता है, खुद ही को एक्सप्लेन करो. अंडरस्टूड? कोई टेक्स्ट बुक अभी खोलनी नहीं, मैं बताऊंगा आपको जब टेक्स्ट बुक खोलना. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर. सब पीडीएफ भी, सब पीडीएफ ही लेना, कॉपी कर देना. अभी कॉपी करने का बस, जो मैं पीडीएफ भेजा उसको ही कॉपी कर अच्छे से प्रॉपर फॉर्म में. ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में चाहिए तो लिख ले कलरफुल तरीके से, एंड अपने आप को वही पीडीएफ एक्सप्लेन करने का है. समझ में आया? ओके, चलो. जब तक चैप्टर का अच्छा खासा पार्ट कवर नहीं हो जाएगा, अपन जो मैं बोल रहा हूँ वही खाली उतना करो, फिर आई विल लेट यू नो कब आपको टेक्स्ट बुक खोलना है. हाँ, और किसी को डाउट था? सर, मुझे दिया है वो क्या अलग क्लास वर्क बुक में लिखना है, मतलब अलग नया बुक बना के लिखना है क्लास वर्क बुक? क्लास वर्क बुक नया बना के लिख सकते हैं या फिर होमवर्क में ही अभी लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर क्लास वर्क बुक बनाए तो भी चलेगा ना सर? ये ग्रुप में आए थे कि सेपरेट बुक बना के लिखना है करके, होमवर्क और क्लास बुक दोनों के लिए. हाँ, दो बुक तो बनेगा, एक होमवर्क एक क्लास वर्क. तो अभी के लिए क्लास वर्क में मत लिख, ये होमवर्क में ही डालते रहे. एक एक वन टाइम अभी खाली होमवर्क में डाल, बिकॉज ये अभी अपन जस्ट एक इंट्रो ले रहे हैं चैप्टर का. धीरे धीरे अपन चैप्टर में अंदर जाएंगे. And I'll let you know when you have to prepare proper notes on this. Okay? Okay, I'll be providing you PPT also. Don't worry.
सर अभी ये होमवर्क बुक में डालना है ना? हाँ होमवर्क बुक में एक ही बार लिखने का, दो तीन बार नहीं, सिर्फ वन टाइम एंड मेक श्योर कि अपन अपने आप को पढ़ा रहे जाए, समझा? एक बार तू नोट डाउन कर ले, फिर तू अपने आप को पढ़ा वहां पे बैठ के कि चल ये देखिए होता माइटोकॉन्ड्रिया, समझा ये होता आउटर मेम्ब्रेन, ये होता इनर मेम्ब्रेन, ऐसे खुद को पढ़ा, खुद का टीचर बन जाए, तो तू रिविजन बहुत अच्छे से कर पाएगा, और बोल बोल के, मन के अंदर नहीं, बोल बोल के, ठीक है? ओके चलो बाय बाय।